राहुल गांधी खासे व्यस्त रहे हैं हाल के दिनों में। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लेकर अभी तक, वो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो या फिर कर्नाटक चुनाव के बाद में जो सियासी माथापच्ची चली मुख्यमंत्री चुनने को लेकर, इस सब के बीच में राहुल गांधी अचानक से दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में पहुंच गए और लोगों से हालचाल लिया। राहुल का ये अंदाज़ मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया है कि आगे भी जारी रहने वाला है। वो कभी भी दिल्ली में कभी किसी मार्केट में घूमते हुए दिखाई देते हैं, कभी छात्रों से बात करते दिखाई देते हैं। सड़कों पर निकलना, लोगों से सीधे कनेक्ट बनाना, ये एक बहुत बड़ा अस्त्र राहुल गांधी को 2024 के पहले मिला है। वो लगातार लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हमने देखा है कि वो अलग अलग डिजिटल पत्रकारों से बात करते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। तो कुछ अंदाज़ बदले राहुल गांधी ने और भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ ये अंदाज़ आगे भी जारी रहने वाला है। इस दौरान राहुल गांधी ने शकूर बस्ती में रेलवे स्टेशन के निकट झुग्गियों में रहने वाली कुछ महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की। बाद में कांग्रेस पार्टी ने राहुल की इस यात्रा का वीडियो भी जारी किया। पार्टी ने कहा कि झुग्गी के लोग अपने घरों पर बुलडोजर चलाए जाने से आतंकित हैं। पार्टी की ओर से जारी एक वीडियो में झुग्गी की कुछ महिलाएं महंगाई को लेकर भी राहुल गांधी से बात करती हैं। इस दौरान महिलाओं ने उनके घरों को बुलडोजर से धराशायी करने की आशंका जताई और महंगाई की बात कही। वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, इन महिलाओं के साथ राहुल गांधी की बातचीत सुनिए, देखिए अमृतकाल का सच। वीडियो में इलाके की महिलाओं को कांग्रेस नेता के सामने पानी, शौचालय और बिजली की उचित सुविधा नहीं होने की अपनी समस्याओं को बताते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी को ये भी बताया कि वो लगातार बुलडोजर से अपने घरों को तोड़े जाने के डर में रहती हैं। बुलडोजर के डर और क्षेत्र में उचित बुनियादी सुविधाएं नहीं होने के अलावा महिलाओं ने यह भी बताया कि कीमतों में वृद्धि के कारण उनके लिए अपना घर चलाना कितना कठिन है और वो गैस सिलेंडर खरीदने या फिर उसे भरवाने में असमर्थ है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता ने महिलाओं के समूह से पूछा कि क्या 2015 से विध्वंस अभियान का मुद्दा अब हल हो गया है। उनके सवाल पर एक महिला ने उन्हें बताया कि फिलहाल इसे रोका गया है, लेकिन उन्हें नोटिस मिलते रहते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 2015 में शकूर बस्ती क्षेत्र का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने रेलवे द्वारा एक झुग्गी बस्ती को गिराने पर केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आलोचना की थी और बेघरों को आश्वासन दिया था कि वो उनके लिए लड़ेंगे। अब यहाँ पर वो फॉलोअप लेते दिखाई दे रहे हैं, वो इनसे फिर से बात करते दिखाई दे रहे हैं। यानी मुद्दा भले ही कई सालों पहले उठाया गया हो, लेकिन राहुल गांधी अब स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन मुद्दों को पहले से उठाते रहे और उनका असर क्या देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी डिलीवरी बॉयज के साथ दिखाई दिए थे, स्कूटर की सवारी की थी, लंच किया था उनके साथ। वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता अचानक दिल्ली विश्वविद्यालय जा पहुंचे, वहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और खाना भी खाया था। राहुल की इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बवाल भी मचा था। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के मुखर्जी नगर भी पहुंचे थे, उन्होंने यूपीएससी और एसएससी के उम्मीदवारों से संवाद किया था। खास बात यह रही कि राहुल गांधी की छात्रों के साथ बैठक उस दिन हुई जब गुजरात के सूरत की एक अदालत ने उनकी मोदी सरने वाली टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज किया था। तो राहुल गांधी इस सारी सियासत के बीच में अपनी एक इमेज अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। वो लोगों से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और इसके बड़े पैमाने, ऐसा नहीं कि वो जिन लोगों से मिल रहे हैं सिर्फ वहीं असर हो रहा है। इसकी तस्वीरें, इसकी खबरें जो हैं वो राहुल गांधी को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा रही हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र और बंगाली बाजार का दौरा किया था और इन क्षेत्रों के लोकप्रिय व्यंजनों का लुत्फ उठाया था। राहुल गांधी ने जामा मस्जिद क्षेत्र और अन्य भोजनालयों में एक शरबत विक्रेता से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने गोलगप्पे, तरबूज और कुछ अन्य पकवानों का लुत्फ उठाया। गौर करने वाली बात है कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसे लेकर देश के छोटे बड़े नेता अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी की गई, ये मामला गरमाया रहा है, कर्नाटक में छाया रहा। अब उनकी सांसदी जाना हो, कर्नाटक की जीत हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, अब जिस अंदाज में राहुल गांधी दिख रहे हैं, 2024 की तैयारियां बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रही है।